तो अभी मैं खाने लगी हूँ खाना, साथ में है सैलेड रोटी। ये कलेजी मेरे अब्बू ने बनाई है, तो कैसी लग रही है बताइएगा जी। तो अभी मैं आ गई हूँ गैलरी में और बेबी के कपड़े कुछ सूख रहे थे, कल मैंने वॉश किए थे तो मैंने सोचा वो उतार लूँ। अभी लाइट भी गलत टाइम पे चली गई है, 4:30 बजे जानी थी और लाइट चली गई है 4 बजे। तो जब लाइट बे टाइम चली जाती है तो फिर ऐसा होता है कि पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा शेड्यूल डिसमिस हो जाता है। अब देखते हैं 5 बजे आ जाए अल्लाह करे। तो मैं ये कपड़े उतारती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ जी, तो मेरे बेटे से मिलिए, मेरे बेबी से मिलिए प्यारे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम कीजिए। यस, गुड बॉय गुड बॉय। मेरे बेबी ने अभी अभी कपड़े चेंज किए हैं अपने और अब मेरे साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है, बहुत छाली। हाँ, अभी हम आपका फेस नहीं दिखा सकते वरना आप बहुत फल लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे बच्चे लग रहे हैं आप तो। हाँ प्यारे बेटे, प्यारे बेटे। हाँ 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, खेली खेली कर लें। चलें भाई, हम अपने बेबी के साथ खेलते हैं, जब तक आप लोग व्लॉग को लाइक करके आइए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। A few moments later. जी तो ये मैस आप लोग देख सकते हैं, पूरी ड्रेसिंग मेरी बिखरी हुई है और आज हाउस हेल्पर आती है वो भी नहीं आई थी, तो ये सब मुझे खुद ही करना है। तो ये मैं अभी करने जा रही थी डस्टिंग, तो चलें डस्टिंग करते हैं। 72 hours later. वैसे जो बात है खुद सफाई करने में वो हेल्पर्स की बात नहीं है, हेल्पर्स आप रख तो लो, लेकिन जो आप खुद से सफाई करते हो और चीज़ मुंह से बोल रही होती है अपने, वो बात हेल्पर्स के सफाई करने में नहीं आती, पर मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं डस्टिंग कर रही हूँ और फिर ये मैस है, ये पूरी टेबल भी पूरी बिखरी हुई है, वो साइड टेबल भी बिखरी हुई है, तो ये सब मैं क्लीन करके फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। वहाँ मेरा बेबी सो रहा है, ये सब बेडशीट वगैरह ये सब भी ठीक करूँगी। हाँ जी, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो चुकी हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इस वाली टेबल का मैस हटाने में मैं नाकाम रही हूँ क्योंकि ये हमारी रात की क्रेविंग्स का सॉल्यूशन है और ये मेरे बेबी के कुछ डायपर्स वगैरह ये मैं हटा नहीं सकती। और वो वाली टेबल जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने क्लीन कर दी है, ये मेरे हस्बैंड के इख्तियार में होती है तो वो बहुत इसको ख़राब करके रखते हैं, लेकिन अभी मैंने क्लीन कर दिया। अब कुछ दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये दोबारा से वैसी होगी, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, अब उनकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ रखी होती हैं तो फिर वो बढ़ते बढ़ते मैस हो जाता है। और बेडशीट भी काफ़ी हद तक क्लीन कर दिए, मेरा बेबी वहाँ पे नहीं है क्योंकि वो मेरी गोद में है, वो रो रहा था, बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहा था, अभी भी दे रहा है। और ये मैंने अपने कपड़े निकाले हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, आई थिंक 7 बजने वाले हैं। यस, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा, 7 बजने वाले हैं तो मैं थोड़ा सा कपड़े चेंज करके रेडी हो जाती हूँ। तो ये होता है जब आप नए नए पेरेंट बने। रोए जा रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर जाना है, या तो लेके टहलो तो चुप होंगे या बाहर लेके जाओ। माशाल्लाह से छोटे बच्चों को भी इतनी समझ होती है कि इनको बाहर का पता है, अपने रूम की भी पहचान है और बाहर जाने की भी पहचान है,
कि कहाँ जा रहे हैं, फिर घर में आ जाते हैं, उसकी भी पहचान है कि घर आ गए। माशाल्लाह सो गया। चलो भाई अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ इस वक्त, और इंट्रो जो है आज का मैं ही शूट कर रहा हूँ, इनको मौका नहीं मिला था तो इस वजह से। और अच्छा एक चीज़ और है कि ज़्यादातर वीडियोस जो है दिन की वो मेरी वाइफ बनाती हैं, और उसके बाद जो है मेरे आने के बाद जो बाकी वीडियोस होती हैं वो हम कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम रात में मैं जो हूँ उसको एडिट करता हूँ वीडियो को, और फिर उसके बाद अपलोड करते हैं रात में। जो अभी फ़िलहाल हमारा यही रूटीन है, तो आगे जाके कोई रूटीन चेंज होगा तो हम उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह आप लोग जो है हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बाकी जो हमारे चैनल पे नए हैं, और मेरे बैकग्राउंड पे जो इस वक्त आपको दिख रहा है ये आपको ऐसे दिखाऊं मैं, लिव एवरी मोमेंट, लाफ एवरी डे, लव बियॉन्ड वर्ड्स, ये मैंने अपने हाथ से डिज़ाइन किया है, और ख़ुद ही जो है ना मैंने इसको वॉल पे पेस्ट किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैं जो हूँ ये काम कर रहा था। और इससे इसकी जो वीडियो है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा, जो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। मैंने तकरीबन घर के काफ़ी सारे हिस्से में जो है ना इस तरह की डेकोरेशन की हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ, जैसे ये किया हुआ है मैंने, और ये किया है मैंने सामने, ये किया है हसबुनल्लाह व नेमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह इज़ सफिशिएंट फॉर अस एंड ही इज़ द बेस्ट गार्डियन। तो ये है, एंड ये हैप्पीनेस इज़ होममेड। तो ये है कि बाकी हम आपको रूम होम टूर जो है वो बताते रहेंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह आगे किसी टाइम पे। ये देखें, ये मैं जो हूँ वीडियो एडिट का मैंने सेटअप किया हुआ है, और मैं इस वक्त जो हूँ वो आज का जो व्लॉग है उसको एडिट करने के लिए मैं तैयारी कर चुका हूँ। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आज का व्लॉग एडिट होकर अपलोड हो जाएगा। अच्छा मैं जो हूँ ना ये कंप्यूटर पे भी एडिट करता हूँ और मोबाइल से भी करता हूँ, और कंप्यूटर पे जो है मैं वो यूज़ करता हूँ फिल्मोरा, तो इसकी एडिटिंग मुझे तो इजी लगती है। बाकी मेरी एडिटिंग में कोई कमी, कोई सजेशन देना चाहे मुझे कि मैं और उसमें कोई बेहतरी ला सकता हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं हर कमेंट को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उस पर काम करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करके बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को हम पूरा करें, ठीक है दोस्तों। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, फिर हम आपसे मिलेंगे कल दोबारा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआएं करते रहिएगा, हम भी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।